कोसीकला ट्रैक्टर बाजार पार्ट दो। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर कोसीकला ट्रैक्टर बाजार की दूसरी पड़ताल। मेरे साथ यहाँ इस ट्रैक्टर गोदाम के मालिक रविंद्र सिंह मौजूद हैं। यहाँ बहुत अच्छी कंडीशन के ट्रैक्टर हैं, सोनालिका ट्रैक्टर आप मेरे पास में देख रहे हैं, बहुत कम चला हुआ ट्रैक्टर है, काफ़ी अच्छी कंडीशन का ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन के ट्रैक्टर हैं, और किस किस कंडीशन के ट्रैक्टर किस भाव पर यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, आइए इस गोदाम के मालिक रविंद्र सिंह जी से बात करते हैं। तो आइए, मेरे पास में यह आप देख रहे हैं सोनालिका ट्रैक्टर है। तो रविंद्र जी, इस सोनालिका ट्रैक्टर के बारे में बताइए, क्या कंडीशन का ये ट्रैक्टर है? ये देखिए 2019 मॉडल है और इसका गुड़गांव का नंबर है। अच्छा, लोन क्लियर है, नाम ट्रांसफर हो जाएगा, सिर्फ 530 घंटे चला हुआ है। अच्छा अच्छा, इसके टायर अगले ठीक हैं, 80 से पैसे से अधिक हैं, 90% मान सकते हैं आप, 90 पैसे हैं, और इसकी कंडीशन बिल्कुल फिट है जी। छतरी इसका कपड़ा ये बंदरों ने फाड़ दिया है, इस पे चढ़वा के देंगे नया कपड़ा। अच्छा, नया कपड़ा चढ़ा के देंगे, बाकी सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है, 500 घंटे चला हुआ है, प्रेशर स्टीयरिंग में है, माइलेज मास्टर प्लस है ये। अच्छा, माइलेज मास्टर प्लस है। अच्छा, इसको आप देख रहे होंगे और सोनालिका ट्रैक्टर से, इसका जो इंजन वाला गियर है, ये इंजन वाला जो सिस्टम है जी, ये थोड़ा लॉन्ग है। हाँ, लॉन्ग है, लॉन्ग है जी, इसकी सिलेंडर में है जी, 3 सिलेंडर में है, लंबाई ज्यादा है, ये 39 हॉर्स पावर में आया है। अच्छा अच्छा, बाकी कंडीशन बिल्कुल फिट है आपके ट्रैक्टर की जी। एक ये भी है हमारे पास। अच्छा, एक और आपके पास ये सोनालिका ट्रैक्टर दिख रहे हैं हम भाई साहब जी, ये कौन सा मॉडल है आपका? ये 2045, ये 2017 मॉडल है। अच्छा, तो कलर बिल्कुल इसका ओरिजिनल है? कलर बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन है, प्रेशर स्टीयरिंग में है, बच्चे हैं इसके 80-90 पैसे टायर है, टायर इसमें 80% टायर है चारों। अच्छा अच्छा, और बाकी छतरी वगैरह सब फिट है आपकी इसमें? बिल्कुल 50 हॉर्स पावर में है ट्रैक्टर जी। अच्छा, ये सोनालिका सिकंदर है जी। अच्छा, बाकी लाइट वगैरह सब, पेंट बिल्कुल ओरिजिनल है जी? सारी चीजें ओरिजिनल है, जेन्युइन है। नंबर कहाँ का होगा जी ये? ये नंबर पलवल का है, HR30। HR30 नंबर है, HR30 जी 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 जी। इस पे सिर्फ बम्पर पे यहाँ पे पेंट है जी जी जी, आगे फ्रंट वाले पे। अच्छा, बम्पर पे फ्रंट है इसके? फ्रंट वाले बम्पर पे, एक्चुअली क्या है, इस पे स्क्रैच लग जाते हैं जब किसान ट्रॉली में चलाता है जी जी। इस वाले बम्पर पे इसका पेंट है जी जी जी, बाकी पूरा ट्रैक्टर जेन्युइन है। अच्छा, तो क्या इसकी कीमत मांग रहे हैं आप इसकी ट्रैक्टर की? इसके 4,40,000 रुपए हैं। अच्छा अच्छा, और गुंजाइश हो सकता है कुछ रेट में? हाँ, 2-4 हज़ार में कोई दिक्कत नहीं है, नेगोशिएबल है। इसके बारे में बता रहे थे आप, तो देखिए क्या इसकी तारीफ है, इसकी स्टीयरिंग की बताइए। ये 50 HP रेंज में ट्रैक्टर है, प्रेशर स्टीयरिंग के अंदर है और 14 के टायर में है, ऑयल वाले ब्रेक है इसके अंदर। ये टॉप लोडेड ट्रैक्टर में आता है, टॉप मॉडल वेरियंट जिसे बोलते हैं। ये सिकंदर मॉडल है 2017। कितना चल गया होगा जी आपका ट्रैक्टर? ये अप्रोक्सीमेट 2-2.5 हज़ार घंटे चला हुआ है। अच्छा अच्छा, क्या कीमत मांग रहे हैं आप इस ट्रैक्टर? इसके हम मांग रहे हैं 4,40,000 रुपए। अच्छा अच्छा, HR30 पलवल नंबर है। अभी देखिए इसकी बात, इस ट्रैक्टर की बात, हाँ, इसकी कीमत नहीं बताई आपने, सोनालिका का आपका जो है माइलेज मास्टर है, ये भी टॉप मॉडल है जी। ये डबल क्लच छोड़ के, जैसे प्रेशर इसके स्टीयरिंग हो गई है जी, इसके ऑयल वाले ब्रेक हो गए, और इसकी और बात करें तो हम काफ़ी अच्छे फीचर्स है, माइलेज मास्टर प्लस है, इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी है जी, जी जी जी। इसको हम 4,30,000 का दे देंगे, ये सिर्फ 530 घंटे चला हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप जब हम इसको स्टार्ट करेंगे जी, तो इसका एम्पियर क्या होगा, लो एम्पियर क्या रहेगा इसका? लो एम्पियर 10 के आसपास रहता है इसका। अच्छा अच्छा, और इसको हम रूटावेटर या पे ही हम बात करते हैं, क्या एवरेज देगा इस ट्रैक्टर आज? ये 1 लीटर में अप्रोक्सीमेट आपका 1.5 से 2 बीघा खेत निकालेगा। अच्छा, 1 घंटे में कितना लेगा तेल? 1 घंटे में लगभग 2.5 लीटर के आसपास ले जाएगा ये। अच्छा, रूटावेटर पे, रूटावेटर पे 2.5 घंटे जी लीटर लेगा जी। अच्छा, अब आपका ये ट्रैक्टर है रविंदर जी, महिंद्रा 275 DI है जी, ये 2010 मॉडल है, आप इसको देखेंगे जेन्युइन, अभी तक 3,000 घंटे चला हुआ है जी। इसका क्वालिटी की बात करें तो ये 19-20 मॉडल इसके सामने फेल है, ये महिंद्रा 275 है जी, अलवर का इसका नंबर है जी जी जी। अब हमारे NCR में क्या है कि 12 मॉडल से नीचे के नाम ट्रांसफर नहीं होते हैं जी जी जी, जी। अगर इसे कोई अलवर का कस्टमर लेता है तो उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा जी, बाकी इसके NOC हम निकलवा भी देंगे तो ट्रांसफर नहीं होगा, कस्टमर के नाम चढ़ेगा नहीं दिल्ली NCR में। टायर इसके काफी अच्छी कंडीशन के हैं, टायर इसमें दोबारा डले हैं, BKT के नए टायर हैं चारों के चारों। अच्छा, टायर रबड़ चढ़े हैं? नहीं, ओरिजिनल टायर है जी, और पेंट भी इसका ओरिजिनल है, लेकिन आगे हो रहा है आपका? नहीं, पेंट ओरिजिनल है, सिर्फ इसके इस बम्पर पे पेंट हो रहा है जी जी, बाकी पूरा ट्रैक्टर जेन्युइन है आगे से लेके पीछे तक, छतरी वगैरह सब, सीट, सारी चीजें कम्प्लीट है, सेल्फ स्टार्ट है जी। क्या कीमत बता रहे थे आप इसकी? इसको 2.5 लाख रुपए में छोड़ देंगे हम।
अच्छा, और रेट में थोड़ा बहुत गुंजाइश हो सकता है? 2-4 हज़ार के लिए कुछ नहीं है, कस्टमर इतनी दूर से आएगा तो उसका मान सम्मान किया जाएगा। अच्छा, आपका आईसर है 80-96। ये मथुरा जिले का टॉप वेरिएंट ट्रैक्टर से बोल सकते हैं, 333 की इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये तीन सिलेंडर में है। ये 2013 मॉडल है। अच्छा, बम्पर लगा हुआ है फिट इसका, अगले टायर भी इसके एकदम फिट हैं जी। पिछले टायर 45 पैसे के आसपास है, 7 के। जी, 7 के ही टायर हैं, 45 पैसे बचे हैं आपके पिछले टायर से। जी, अगले टायर ब्रांड न्यू है जी। इसको हम 2.5 लाख रुपए का छोड़ देंगे, इसमें सर्विस भी नहीं करवानी है, इसकी सर्विस ब्रांड न्यू है। बस छतरी इसकी जो है थोड़ा सा फटी हुई है, उसको चेंज करवा देंगे कपड़े के लिए, उसके लिए कोई मैटर नहीं है। बैटरी वगैरह सब फिट है, बैटरी कंप्लीट है, सेल्फ स्टार्ट है। कहाँ का नंबर बता रहे थे इसको? इसका भिवानी का नंबर है, हरियाणा, HR 16। अभी इस ट्रैक्टर की बात करेंगे हम, सोनालिका DI 35 है आपका। ये 12 मॉडल है, इसमें ये बम्पर न्यू है जी, और गुडियर के रियर टायर ब्रांड न्यू है इसके अंदर जी। ये हरियाणा का सोहना का नंबर है जी। ट्रैक्टर बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये अगले टायर इसके दोनों अलग तरह के हैं, एक टायर ठीक कंडीशन का, एक थोड़ा सा वो लाइन आउट होने के कारण एक टायर दब गया है थोड़ा सा। साइलेंसर वगैरह, छतरी वगैरह सब फिट है, सारी चीजें कंप्लीट है, आपका फिट है बिल्कुल एकदम। जी। ये सिलेंडर हॉर्स पावर कितना है जी? ये 3 सिलेंडर है, 35 हॉर्स पावर में आता है, सादा स्टीयरिंग है, सादा स्टीयरिंग में है। इसको 270 का छोड़ देंगे हम। अच्छा, मॉडल कौन सा बता रहे थे इसको? 2012 लास्ट है जी। इसकी भी NOC निकल जाएगी, लोन क्लियर है। अच्छा, सब कुछ कंप्लीट है, बाकी कागज वगैरह सब कंप्लीट, सारी चीजें कंप्लीट है। अच्छा, आपका ये ट्रैक्टर आईसर है जी, 333 तीन सिलेंडर में है जी। ये 2008 मॉडल है, ये जो 2008 मॉडल है जी। बम्पर आपका फिट लगा हुआ है, टायर अगले एकदम ठीक है, पूरे टायर है, और पिछले टायर भी रबड़ के टायर है, रबड़ चढ़े हुए टायर है जी। बैटरी वगैरह सब फिट है, सारी चीजें कंप्लीट है। अच्छा, ये टूल किट भी लगा हुआ है, बॉक्स लगा हुआ है, टूल बॉक्स सभी में लगा हुआ है जी। जितने भी ट्रैक्टर है, सीट वगैरह सब आपका, ये बोनट, सारी चीज कंप्लीट है, सब फिट है जी, एकदम सेल्फ स्टार्ट है ट्रैक्टर आपका, बिल्कुल। इसका ये मॉडल कौन सा है? ये 2008 मॉडल है, इसका उन्नाव का नंबर है, यूपी का जी। क्या कीमत में उपलब्ध हो सकता है ये ट्रैक्टर? इसको 2.25 लाख रुपए में छोड़ देंगे। रेट में थोड़ा बहुत गुंजाइश हो सकता है जी। आईसर है, ये 312 बोलते हैं इसे जी। आगे वेट लगा हुआ है, अगला टायर आपका भी बिल्कुल गंजा है जी। किस्सा है जी। ये 10 पैसे बचा है जी, और आपका ये सादा स्टीयरिंग है, पिछले टायर भी इसके 10-20 पैसे ही बचे हैं जी। और छतरी इसमें आपने ठीक करा दी है, पेंट इसका ओरिजिनल पेंट है, मडगार्ड पे दोबारा पेंट है। अच्छा जी। बैटरी लगी हुई है, देखो बॉक्स के अंदर है बैटरी जी। बैटरी बॉक्स में एकदम फिट है आपका जी, और सीट भी ठीक ठाक है जी। ये 2 सिलेंडर में है जी आपका? 2 सिलेंडर में आता है, 312 2 सिलेंडर में है जी। और इसका हॉर्स पावर क्या है जी? ये अप्रोक्सीमेट 28 HP होता है। कौन सा मॉडल है जी आपका ये ट्रैक्टर? ये 2002 मॉडल है। काफी पुराना हो गया, तो ये कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है? कम से कम बताइए आप। 1.25 लाख रुपए में छोड़ देंगे इसको। 1.25 लाख रुपए में? एक्चुअली हमारे यहाँ पे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में इसको पानी पे इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है जी। नंबर कहाँ का है जिसका? नंबर यूपी का है। अच्छा, यूपी का ही नंबर है। कागज वगैरह तो इसके ट्रांसफर? सारी चीजें कंप्लीट है, लोन क्लियर है ये भी। अच्छा, ये भी लोन क्लियर है जी। अब एक और आई सर, हम आपको 312 देख रहे हैं जी। ये 312 भी 2 सिलेंडर में है आपका जी, और बम्पर ठीक ठाक लगा हुआ है, पेंट इस पे करा रखा है आपने? क्या पेंट करवा रखा है इस पे? अच्छा, टायर इसके रबड़ चढ़े हुए हैं, रबड़ वाले टायर है, पिछले टायर पूरे हैं, रबड़ चढ़े हुए हैं, और इसका रिम वगैरह भी सही है, छतरी लगी हुई है, सीट वगैरह, मडगार्ड और टूल बॉक्स भी आपका लगा हुआ है इसमें। ये 2008 मॉडल है, 312 रिकार्डो में बोलते हैं इसको जी। ये ट्रैक्टर काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है जी। बाहर पंप में है, ये देखेंगे इसकी बाहर पंप है जी, माइको वाली जी। अब इस वाले 312 को देखेंगे, इसकी पंप अंदर है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको जी। ये देखिए इसकी पंप जो है, ये अंदर वाली पंप बोलते हैं इसे जी। उसकी बाहर है पंप जी। और माइको का पंप है इसमें जी, माइको का है। अच्छा, तो ये मॉडल कहाँ का है जी? कौन सा नंबर मॉडल है? 2008 मॉडल है, यूपी का नंबर है। इसको 180 का दे देंगे। अच्छा, 180 का दे देंगे जी। बाकी कंडीशन बिल्कुल फिट है, सेल्फ स्टार्ट है, बिल्कुल फिट, सेल्फ स्टार्ट, इसलिए भी लोन क्लियर है, ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हम लिख के दे देंगे तहसील में। अच्छा, लिख के देते हैं स्टाम्प वगैरह पे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा रविंद्र जी, एक बात बताइए, जो ट्रैक्टर हमने आपके इस समय देख रहे हैं जी, और हमारे ग्राहक इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहे, तो आप क्या उनको सहूलियत देते हैं और किस तरह से ट्रांसफर कराते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हमारे ट्रैक्टर सारे के सारे लोन क्लियर हैं।
जी, हमारी सबसे पहले एक फर्स्ट डिमांड है कि हमें कस्टमर का आधार कार्ड मस्ट कंपलसरी जी। सारे ट्रैक्टर जितने भी हमारे यहाँ देख रहे हैं सभी कस्टमर को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे। इस शर्त के साथ हम ट्रैक्टर बेचते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो ट्रांसफर हो सकते हैं, अब जैसे 12 मॉडल से नीचे का है जी, ट्रांसफर नहीं होगा तो उसका एफिडेविट करके देंगे। कस्टमर के लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें पूरे चाहिए जी, सारे के सारे, कोई भी फेक नहीं चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए कि फोटो स्टेट ले आए, आप हमें ट्रैक्टर दे दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे ऐसे। बाकी जो कुछ आप ट्रैक्टर के बारे में बता रहे हैं जी, वही सब बातें देखने को मिलेंगी। वही 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 सारी बातें हैं। आप इंजन गियर के लिए आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास देखिए आगे यहाँ रोटावेटर रखे हुए हैं, मशीन रखी हुई है, कल्टीवेटर रखे हुए हैं। आपको जैसे मर्जी करे चला के देखना है, पहले चला के देखिए। अच्छा, क्योंकि कस्टमर एक देवता के रूप में होता है जी, जी। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा नाम आगे ग्रो होगा। पिछले 40 साल से हमारी ये शॉप चल रही है जी, और जी। आज तक कोई दाग नहीं है हमारे ऊपर। अच्छा, ये जो आप ट्रैक्टर बेचने का काम कर रहे हैं जी, वो कितने समय से कर रहे हैं? एक्चुअली मैं तो अभी 1 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जॉब करता था, सेल्स एंड मार्केटिंग में। कैप्टन ट्रैक्टर में किया है, एस में किया है, इंडो फार्म में किया है जी। इस सेटअप को मैंने अभी रिसेंटली 1 साल से संभाला है जी 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 जी। तो आपके पापा जी और आपके ताऊ जी इस काम को करते रहे जी, जी जी जी। काफी पुराना काम है आपका, 40 साल पुराना काम है जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, शुक्रिया आपका। तो भाइयों, यह जो ट्रैक्टर आप देख रहे थे, यह कौशिकी ई व्हीकल्स बाईपास कोसीकला मथुरा में गोदाम है ट्रैक्टर का। और यह ट्रैक्टर गोदाम मदनपाल और देवी सिंह का ट्रैक्टर गोदाम है। आजकल इस ट्रैक्टर गोदाम की देखरेख और कामकाज रविंद्र सिंह कर रहे हैं। रविंद्र सिंह के नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप यहां से ट्रैक्टर खरीदने के संबंध में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। ट्रैक्टर यहां से चलाकर और पूरी तरह ट्राई करके ले जाएँ, मिस्त्री को दिखाएँ, कागज़ वगैरह की स्वयं पड़ताल कर लें। चैनल की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। रेट वगैरह में आप लोग बारगेनिंग कर सकते हैं। हमने काफ़ी ट्रैक्टर बाज़ार देखे हैं, लेकिन यहाँ का ट्रैक्टर बाज़ार में जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन के हैं। सभी ट्रैक्टर स्टार्ट मिले, सभी में बैटरी थी, सभी के टायर काफ़ी अच्छी कंडीशन के थे और ट्रैक्टर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन के हैं। आप देख रहे थे इन सभी ट्रैक्टर्स को, और जगह के ट्रैक्टर भी आपने देखे हैं, लेकिन हमको यहाँ के ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी कंडीशन के नज़र आए हैं। आप रेट में थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। आगे हम कुछ ट्रैक्टरों की चाल ढाल भी आपको दिखाएंगे। आप देखते रहें, लगातार चैनल पर बने रहें, आगे भी हम आपको इस प्रकार की वीडियो दिखाते रहेंगे। तो भाइयों, यह थी कोसीकला मथुरा के ट्रैक्टर बाज़ार की दूसरी पड़ताल। आगे भी हम आपको उत्तर प्रदेश के अन्य ट्रैक्टर बाज़ार की पड़ताल दिखाते रहेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जहांगीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, सैदनगली, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, शामली और बड़ौत के ट्रैक्टर बाज़ार की अनेक वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। साथ में मॉडिफाइड ट्रैक्टर बाज़ार और खेती किसानी में किसानों के अनुभव, अनुभवी किसानों के ट्रैक्टर से संबंधित भी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें एनसीआर की खबरों के साथ साथ खेती किसानी और हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ नमस्कार।